हेलो गाइस, वेलकम टू जैस किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एग वेजिटेबल राइस, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने पके हुए चावल और अंडों का यूज़ किया है, और साथ ही साथ मैंने इसको हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए कुछ वेजिटेबल्स का यूज़ किया है, जिससे कि इसका एक अलग ही टेस्ट आएगा। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही कम समय में बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एग वेजिटेबल राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 अंडे, और साथ ही में मैंने लिए हैं पके हुए 1 कटोरी राइस। मैंने अंडे की प्लाई को अलग कर लिया है और अंडे की वाइट हिस्सा मैंने अलग कर दिया है। तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून डालूंगी, ये पीली कुटी हुई मिर्च है, ये मैं इसमें डाल दूंगी। टेस्ट के हिसाब से हम इसमें डालेंगे नमक। 1/2 टीस्पून मैं ले रही हूँ जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, चावल के साथ अच्छे से मिला लेना है। अंडे की प्लाई को हमने राइस में अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देख सकती हैं आप, ये मिक्स हो गई है। तब इसको रख देंगे साइड में। अनुसार इसमें भी हम नमक डालेंगे और इसको भी अच्छे से फेट लेंगे। तो ये भी हमारा अच्छे से फिट गया है, अब इसको भी हम रख देंगे साइड पे। तो यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून सरसों का ऑयल ले लिया है, ऑयल को गर्म होने देंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे अपने राइस, जिसमें हमने येलो पार्ट मिलाया है। तो ये हम इसमें मिक्स कर देंगे, सभी को डाल देंगे, और इसको तब तक भूनना है जब तक कि ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता है, चावल और अंडा अलग नहीं हो जाते। इसको हमें तब तक फ्राई कर लेना है, हमें इसे ऐसे ही भून लेना है चलाते हुए, अंडा और चावल हमारा अच्छे से ड्राई कर लेना है हमें इसको। आप देख सकते हैं अंडा और चावल हमारा ड्राई होने लगा है, हमें इसे ऐसे ही भून लेना है। ये देखिए अंडा और चावल हमारा अलग हो गया है, ये देखिए अंडा भी अलग हो गया, चावल अलग हो गया। अब हम इसमें हमने जो वाइट पोर्शन अपना बचा के साइड में रखा था वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये हम इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए, इसको भी भून लेना है हमें। तो वाइट पोर्शन जो हमने इसमें डाला है उसको भी अच्छे से भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से चावल के साथ। अब देख रहे हैं मैं कैसे कर रही हूँ, इसी तरह से हमें इस अंडे को चावल के साथ मिक्स कर लेना है, अच्छे से भून लेना है ऐसे ही चलाते हुए। ये देखिए हम इसको अच्छे से भून लेंगे, तो चावल और अंडा हमारा अच्छे से ड्राई हो रहा है, ड्राई कर लेना है, भून लेना है ऐसे ही, जिससे कि चावल और अंडा हमारा अलग अलग हो जाए। तो चावल और अंडा अच्छे से भुन गया, ये देखिए अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, सभी को प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने फिर से 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है सरसों का, तो सरसों का ऑयल हम गर्म होने देंगे। तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ वेजिटेबल्स जो मैंने लिए हैं। यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर 1 मीडियम साइज का, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, और यहाँ 1 प्याज ली है जिसको मैंने कट कर लिया है, 1 हरी मिर्च जिसको बारीक कट कर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, और 5 से 6 गाजर जिसको बारीक चॉप कर लिया है, 5 से 6 बीन्स ली है जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। और ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। तो प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे सभी प्याज को, और प्याज को हमें थोड़ी देर भून लेना है, हल्का गोल्डन होने तक इसको भून लेना है। तो प्याज हमारी गोल्डन हो गई है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपनी वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैं ले लूँगी गाजर, गाजर हम इसमें डाल देंगे, साथ में हम इसमें डाल देंगे बीन्स, और इसको हम 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। ऐसे ही मिक्स कर लेना है, अच्छे से भून लेना है, ताकि सब्जियाँ जो है वो हमारी अच्छे से गल जाए। तो इसको ऐसे ही हमें भून लेना है, 2 मिनट हमने इसको भून लिया है। अब देख सकते हैं सब्जी हमारी गल गई हैं, नरम हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिर्च, हरा धनिया, साथ ही में हम इसमें डाल देंगे टमाटर, और इसमें हम डाल देंगे
स्वाद के अनुसार नमक हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जो है वो हमारे अच्छे से गल जाए। फ्रेंड नमक हमने राइस और अंडे में भी ऐड किया है, तो नमक हम अपने हिसाब से ही डालेंगे, कम ही डालिएगा। तो इसी तरीके से हमें इसको हिलाते हुए पका लेना है, सभी सब्जियों को अच्छे से गल जाएंगी। तो इसी तरह से चलाते हुए सब्जियों को हमने गला लिया है, अब सब्जियां हमारी गल गई हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी चावल और अंडा जो हमने भुना था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, सभी को डाल देंगे। तो ये चावल अंडा हमने इसमें ऐड कर दिया है, और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ साइड में बचा ली हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले। तो मसाले में मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिर्च, यहाँ पे मैं अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली है तो मैं मिर्च कम डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लेना। और यहाँ पे साथ ही मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई पीली मिर्च, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में हम इसमें ले लेंगे भुना हुआ जीरा, ये इसमें ऐड कर देंगे। नमक हमने इसमें ऐड पहले ही कर दिया है, तो नमक हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो सब्जियों को मिक्स कर लेंगे, और सभी चावलों को और सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और हमें भून लेना है ताकि चावल और सब्जियां जो हैं एक दूसरे में अपना टेस्ट छोड़ दें। और इसी तरह से हमें इसको ऐसे ही मिक्स करते रहना है और इसको पका लेना है। और मैंने इसको बचे हुए चावल से बनाया है, आप इसको फ्रेश चावल से भी बना सकते हैं। फ्रेंड नॉर्मली क्या होता है, बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो आप इस तरीके से अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जियां आप बच्चों को इजीली खिला सकते हैं। इस तरीके से ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी डिश है, और 10 मिनट में ही बन के रेडी हो जाती है। आप इसको ब्रेकफास्ट, लंच में कभी भी बना के खा सकते हैं। तो डिश बन के रेडी हो गई है, हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो एग वेजिटेबल राइस बन के हमारा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं ये एक तरह का वेज पुलाव ही लग रहा है। तो आप इसको बड़ों को, बच्चों को, सभी को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स इतने सारे हैं भरपूर। तो आप इसको बच्चों को देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम सभी को निकाल लेंगे, ये देखिए हमने निकाल लिया है। तो एग वेजिटेबल राइस बन के हमारा रेडी है, और जैसे कि आप देख सकते हैं वेजिटेबल से भरपूर है। तो झटपट से बनने वाली रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका टेस्ट लीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।